हेलो फ्रॉम सऊदी अरबी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी ऑपरेटर हैं और एक कंपनी का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम उनका हो रहा है, केबल वेबल पड़ेगा। तो अभी इनसे हाल चाल पूछेंगे कि कहाँ का है कहाँ का नहीं है, तो आप बने रहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अभी कंपनी का काम है, जेसीबी ऑपरेटर हैं और यहाँ पर हेल्पर वेल्पर का काम कर रहे हैं। देखिए तो इनसे पूछेंगे, आप बने रहें। तो भाई क्या हाल चाल है? इधर का है आप? यूपी का है। यूपी कहाँ का है? देवरिया जिला। देवरिया जिला का है। अभी कितना साल हो गया? एक साल हो गया आने हुए। अभी आपको एक साल हो गया। अभी आपका सैलरी कितना है? हमारा सैलरी 1200 है। पहले कितना था? पहले भी 1200 पाए थे। ओवर टाइम चलता है? हाँ, 2 घंटा चलता है। अभी अभी बढ़ा नहीं? बढ़ा नहीं है। अभी कंपनी सही है? कंपनी तो सही है, टाइम टाइम से सैलरी दे देता है, हर महीना पूरा होता है, सैलरी आ जाता है। ओवर टाइम का 2 घंटा बस नहीं आता है, वो जाने का टाइम ओवर टाइम का पैसा मिलता है। कितना है ओवर टाइम का? 1 घंटा कितना मिलता है? वही लगभग 10 रुपया के आसपास मान के चलिए। 10 रियाल? हाँ। और लाइसेंस हाई भी लेकर आया था कि हाई भी लगता है कि लाइट लगता है? मैं तो हाई भी लेकर आया हूँ भाई, अब लाइट हाई भी इधर मैं लाइसेंस लेके आया। मेरे को वहाँ एजेंट बोला कि हाई भी लाइसेंस लेके जाओ। हाँ। तो मैं हाई भी लाइसेंस लेके आया। रूम किसका है? रूम कंपनी का है। खाना? खाना अपना है। हकामा लाइसेंस किसका है? हकामा लाइसेंस कंपनी का है। ट्रेनिंग चला? हाँ, 3 महीना हम दूसरे ड्राइवर के साथ में रहे थे। हाँ? उसके बाद यहाँ पे दूसरे ड्राइवर के साथ 3 महीना रहे थे, वो दूसरा ड्राइवर उसके बाद छुट्टी गया। ट्रेनिंग चला? हाँ, ट्रेनिंग चला हमारा। उसके बाद अभी मिल गया? क्या पूछे? अभी मान ली, अभी अभी 3 महीने बाद अभी आप ऑपरेटर हैं तो ऑपरेटर ही कर रहे हैं? हाँ, अभी अकेले मैं चला रहा हूँ 3 महीने के बाद। इधर जैसे भी मैं उधर जैसे में क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों तो सेम सेम जैसे भी आता है। उल्टा साइड है ना? उल्टा है ना साइड? देखिए उल्टा है, जैसे भी मैं तो स्टेयरिंग एक ही जैसे आता है, इधर इंडिया में जैसे बीच में रहता है, यहाँ भी बीच में रहता है। और यहाँ बस साइड क्या है कि वहाँ यहाँ का वहाँ का साइड दूसरा है, यहाँ दूसरा है। कितना घंटा ड्यूटी है? ड्यूटी तो मान लीजिए 8 घंटा ड्यूटी है, 2 घंटा ओवर टाइम है। 8 घंटा ड्यूटी को 1200 रियाल है? 8 घंटा का 1200 है। ओवर टाइम चलेगा तो घंटा पीछे 10 रियाल? 10 रियाल घंटा पीछे है। देवरिया कहाँ से है? देवरिया रामपुर कारखाना सिरसिया नंबर 1। क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू कुमार नाम है? अच्छा, तो अब कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से सैलरी आ जाता है, मुश्किल नहीं है। तो मान लीजिए जैसे जैसे वहाँ का जो उल्टा है ना, जैसे स्टीयरिंग जैसे शायद अपने यहाँ का उल्टा है, तो इधर जो दाहिने से जैसे है क्या है, लीवर है ना? तो लीवर अपने बाएं दिया? सेम सेम वही चाहिए, सब वही है, कहीं उल्टा उल्टा कहीं कुछ नहीं है? जेसीबी में उल्टा नहीं है, जेसीबी में सेम सेम है, एकदम सब सेम। जो उधर है आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो ऑपरेटर उधर जेसीबी ऑपरेटर आएंगे उनका कोई इधर कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रेनिंग देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ यही दिक्कत है कि मान लीजिए हफरिया करते हैं, केबल आता है, पाइपलाइन आता है, वो सब देख के हफरिया करना पड़ता है। गाँव में क्या है, ऐसे ही खोद के मिट्टी ट्रॉली में लोड करना पड़ता है। यहाँ पे ये है कि सब देख के हफरिया करो, नहीं तो कुछ कट गया तो मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कट जाएगा, कंपनी चिल्लाएगी, पैसा भी काट सकती है। अब जाने के टाइम वो क्या करेगी, वो कंपनी के ऊपर होता है। जी भाई, वैसे क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम तो नहीं बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, कंपनी का नाम ना बताइए। याद भी नहीं है? याद भी नहीं है, नया आदमी हम हैं। हाँ, वैसे हम लोग पानी का लाइन का काम करते हैं। पानी लाइन का काम? पानी लाइन का काम करते हैं। इसमें पाइप हीटर मैंने पाइप बिछाएगा? हाँ, पाइप डालेंगे, पानी का सप्लाई देंगे। खुदाई कर रहे हैं? वही खुदाई कर रहे हैं, ब्रिजा उर्जा लगता है, घर घर में पानी जाता है। हाँ, दूसरा कोई काम नहीं करते हैं जेसीबी के अलावा? दूसरा कोई काम नहीं? नहीं नहीं, जेसीबी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। काम यही बस है? बस यही काम है, जेसीबी चलेगी तो सही है, नहीं चलेगी तो बैठे रहते हैं। यहाँ आके कोई दबाव नहीं है? दबाव नहीं है। थोड़ा बोलिए कि जो भी हमारे भाई देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसे मुतियत करते रहें ताकि और वीडियो अच्छा अच्छा बन सके। मोटिवेशनल करेंगे तो मान लीजिए वीडियो और मनोबल ऊंचा होगा तो और अच्छा अच्छा वीडियो बनेगा। तो बोलिए जो भी भाई हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं, थोड़ा चैनल को हेल्प करें और सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे भाई साहब देख रहे हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए कि और ज़्यादा वीडियो बने। ऐसे वीडियो बना के मान लीजिए सऊदी से आदमी छोड़ेगा तो आदमी वहाँ के देखने के लिए देखेगा, अनुभव होगा कि कैसे काम चलता है, क्या होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल का। ये सोनू भाई हैं और कंपनी का काम है, तो देखिए जेसीबी ऑपरेटर हैं। तो सोनू भाई थोड़ा पाछे का थोड़ा ये बताइए, समझाए कि क्या क्या चीज़ है सब, थोड़ा नाम बताइए थोड़ा। ये हमारा मान, हाँ, जैसे इंडिया में आता है यहाँ भी हैंडवेयर का आता है, मुश्किल नहीं है। और ये 4 गियर इसमें रहता है,
हाँ चार गियर रहता है, सेम इंडिया के जैसा है, मुश्किल नहीं है। लीवर भी है, लोडर वाला है, इसमें भी चार रहता है। हाँ लोडर वाला है, इसमें भी इंडिया के जैसे सेम है। ये रिवर्स फॉरवर्ड है, मुश्किल नहीं, ये भी इंडिया के जैसा सेम है। इसमें यही है एक कि गांव में जैसे फोर क्लिप नहीं आता है, चारों चक्का काम नहीं करता है, यहाँ पे चारों चक्का काम करता है। यहाँ से मतलब हम ऐसे नचा देंगे, यहाँ से नचा देंगे तो चारों चक्का काम करेगा, और इसको फिर बंद कर देंगे तो दो चक्का बस पीछे का काम करेगा। बस यही है, इसमें दूसरा कुछ बदला नहीं है। जैसे इंडिया में आते हैं सब कोई चार चक्का वाला गाड़ी नहीं चलाता है, चार मतलब एक ही बार पहिया नहीं काम करता है। और यही सेम ये भी सेम है। मान लीजिए जैसा इंडिया में है, इसमें मान लीजिए इसमें भी चार है सेम वैसा ही है। बस इसी में थोड़ा सा ये बदलाव है कि जैसे हम नीचे करते हैं तो इंडिया में ऊपर होता है, नीचे करते हैं तो नीचे जाता है, ऊपर करते हैं तो ऊपर आता है। और यहाँ पे क्या है, नीचे दाबेंगे तो ऊपर आएगा, ऊपर दाबेंगे तो नीचे जाएगा। बस इसमें थोड़ा बदलाव है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। तो चलिए भाई, बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, शुक्रिया, सलाम अलैकुम।